देखिए आपको बता दें, कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है और इस वक्त हम राजघाट पे ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मंच तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो सड़क पर ही बैठकर सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा से आए हुए ये कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर ही बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर वो गीत भी बजा रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और आप देखिए, हम इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये मथुरा के किस इलाके से आए हैं और क्या नाम है आपका? मथुरा के बलदेव से आया हूँ सर, शैलेन चौधरी मेरा नाम है। आज हम ये जो यहाँ पे स्थल पर आए हुए हैं राजघाट, आज हमारे गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुँची है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बगैर कसूर के हम लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी संसद के अंदर एक ऐसे नेता थे जो बुलंदी के साथ मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते थे कि अडानी के खिलाफ जेपीसी क्यों नहीं करा रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए जो बाहर के लोग आए हैं ये कहां पे गए। लेकिन जब उन जवाब पूछते हैं तो जवाब का उत्तर नहीं दिया जाता है और आपस में घिलमिल करके राहुल गांधी क्वालिफाइड किया जाता है। आप देखिए, ये जो बात थी, राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कर्नाटक में दिया था और उनके खिलाफ FIR कहां पे हो रही है? सूरत में हो रही है। तो ये अन्याय आज गांधी जी के यहाँ पर राजघाट पे आके हम शपथ लेते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ हम अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन राजघाट पर धारा 144 लागू है, आप सड़क पर ही बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं। सर अब संसद से तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया, फिर बचा क्या हमारे पास? सड़क। अब सड़क पे करेंगे, हम ही नहीं सर, पूरे देश में। यहाँ पे आप कार्यकर्ता ही मत समझिए, पूरे देश के गरीब, युवा, बेरोजगार, व्यापारी सब परेशान है सरकार से। सब लोग सड़क पे आएंगे, टोटली सड़क पे आएंगे। आने वाले 2024 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है। तो आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को राजघाट जाने नहीं दिया जा रहा है वो इसी तरीके से सड़क पर बैठकर सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार धारा 144 लागू होने के बाद भी आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, जब संसद में राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जाएगा, सड़कों पे हमें उतर के प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, हमारी बात को हमें दबाया जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी की शरण में आके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम सत्याग्रह जो कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उठाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का क्या कसूर था जो उनकी सदस्यता रद्द करी? राहुल गांधी जी का सिर्फ ये कसूर था कि जो 20,000 करोड़ जो अडानी को जो फाइनेंस हुआ है उसके बारे में जानकारी राहुल गांधी जी ने मांगी थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी से आखिर नरेंद्र मोदी जी का क्या संबंध है कि उन्होंने पूरा देश की कमाई उठा के अडानी को दे दी? उस JPC की जब मांग करी राहुल गांधी जी ने, तो उनके ऊपर दुनिया भर के अनाप शनाप केस लगा के उनकी उनको सजा दिलाई गई। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? धारा 144 लागू है, उसके बावजूद सत्याग्रह जारी है। तो ये जब सांसद से पार्लियामेंट से हटा दिया गया, और तो और कहाँ जगह मिली हमें? हम ये तो सड़क ही मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी ये कोई? और यानी सत्याग्रह जारी रहेगा? सत्याग्रह जारी रहेगा और इन्होंने जो किया, ये दमनकारी का जो हिटलर शाही चलाई है इन्होंने, हिटलर शाही दमन क्या करें? देखिए, ये हिटलर शाही है, ये धारा 144 लगा दे, हम तो शांति प्रिय अपना जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। वो भी जो हमारे एक निडर लीडर, अगर कोई मोदी जी से सवाल पूछते हैं संसद भवन के अंदर, तो मात्र कितने राहुल गांधी जी हैं, उनको सवाल ना पूछे, ऐसी संसद चाहिए। इस तरह के लोग उनको चाहिए जो संसद में उनके खिलाफ ना बोल सकें।
मोदी जी के खिलाफ, वो क्यों नहीं जवाब देते अडानी के लिए कि अडानी जी के पास जो इतना पैसा हुआ है, चाहे SBI का पैसा हो, चाहे LIC का पैसा हो, ये जनता का पैसा है, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी पहले? धरना आप देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का दावा है कि राजघाट पर धारा 144 लागू की गई है, ऐसे में जो सत्याग्रह हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। अब दिल्ली पुलिस बताए कि आखिरकार राजघाट पर ही सिर्फ क्यों धारा 144 लागू की गई है, ये सवाल है कांग्रेस का। जी बिल्कुल बलराम, लेकिन ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा यहां 3 बजे तक नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में तो यहां टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब परमिशन नहीं है तो आप नहीं रह सकते फिर वहां पर, वो कानूनी रूप से भी सही नहीं है। 144 लगा दो, ठीक है, ये चीजें देश के अंदर इतिहास में पहली बार हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं और अपने हम सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अभी भी लगातार राजघाट पर पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजघाट पहुंचे हुए हैं और लगातार जो दिखाइए, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस मौजूद है और अगर परमिशन के जरिए ही कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं तो फिर उस नोटिस का क्या जो धारा 144 लागू की गई है? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि राजघाट पर धारा 144 लागू है, लेकिन ठीक सामने आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उन्हें भी तैनात किया गया है। लेकिन आप देखिए ठीक सामने से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं और उन्हें कोई भी रोक नहीं रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कागजों में भले धारा 144 लागू हो, लेकिन राजघाट पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में जुटे हुए हैं और यहाँ पर धारा 144 नजर नहीं आ रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार भारी संख्या में राजघाट पहुंच रहे हैं और जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, धारा 144 लागू है उसके बावजूद भी सत्याग्रह आपका जारी है? नहीं देखिए, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने दिल्ली ही नहीं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या में ही धारा 44 कभी खत्म ही नहीं हुई। ये मोदी सरकार हर आदमी का मुंह सिल देना चाहती, बंद कर देना चाहती, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि अगर जो कांग्रेसी सदन में रहेंगे तो पूछेंगे कि अडानी से रिश्ता क्या है, अगर जो बाहर सड़कों पर रहेंगे तो पूछेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका पैसा लगा है आपके सेल कंपनियों में। इसलिए माननीय मोदी जी को समझना चाहिए कि सदन में हमारी आवाज गूंजे ना गूंजे, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और दोगुनी ताकत से पूरे देश का कांग्रेसी सड़कों पर उतर करके ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और जो चाल पिछड़ों की चल रहे हैं वो कहते हैं कि राहुल जी ने पिछड़ों का अपमान किया है, मैं उनको बता दूं कि जब आप